हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एसबीआई लाइफ का स्मार्ट लाइफ टाइम सेवर प्लान। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, ये एक नॉन लिंकिंग पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ सेविंग प्लान है। इसमें दोस्तों आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे और दोस्तों इसमें आपको रेगुलर इनकम पे आउट्स भी मिल जाएंगे, जिनको अगर आप चाहो तो अपनी पेंशन की तरह या फिर अपने मंथली या ईयरली बेसिस की नीड्स की तरफ यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपके लिए और ये काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर गारंटीड सर्वाइवल इनकम। ठीक है, ये जो गारंटीड सर्वाइवल इनकम होगी ना दोस्तों, ये आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। मतलब कि जैसे आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ये शुरू हो जाएगी। और ये कितनी होगी, जो भी आपका बेस सम अश्योर्ड होगा उसका कुछ परसेंटेज रखा गया है इसको। और ये जो परसेंटेज है ये डिपेंड करेगी कि आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है और आपका एनुअलाइज प्रीमियम कितना है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, जो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम का। ये दोस्तों कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी आपका बेस सम अश्योर्ड होगा उसके साथ हम कैश बोनस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम निकल के आ जाएगी। दो दो दोस्तों यहाँ पे आपके रेगुलर इनकम पे आउट्स के फ़ायदे मिलते हैं आपको, एक तो गारंटीड सर्वाइवल इनकम और नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम। ये जो दोस्तों नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम है, ये आपके पॉलिसी शुरू होने के 7 साल ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाएंगे। मतलब कि जैसे आपने आज पॉलिसी ली, 7 साल बाद नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ दोस्तों इसमें आती है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में पहली चीज़ आपको मिलती है गारंटीड सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी, जो भी आपका गारंटीड सम अश्योर्ड होगा, प्लस उसके साथ टर्मिनल बोनस अगर कुछ बना होगा। टर्मिनल बोनस दोस्तों आपको कंपनी ही डिसाइड करके देती है, वो कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ कंपनी में, वो फाइनली कंपनी ही बताएगी आपको कि आपको कितना टर्मिनल बोनस मिलेगा। प्लस तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है अक्योर्ड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट्स। इनका मतलब ये है कि दोस्तों इस पॉलिसी में ना एक फ़ायदा और है कि जितने भी आपको ये जो गारंटीड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट्स और नॉन गारंटी सर्वाइवल इनकम बेनिफिट्स है ना, जो हर साल मिलेंगे, इनको अगर आप चाहो तो हर साल ना लेके आप एक साथ मैच्योरिटी पे भी ले सकते हो। अगर आप एक साथ मैच्योरिटी भी लेने का ऑप्शन चुनते हो तो उस बेसिस पे आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में ये वाले जो आपने इकट्ठे किए होंगे सर्वाइवल इनकम बेनिफिट्स, चाहे वो गारंटीड हो चाहे नॉन गारंटीड हो, वो भी दोस्तों साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट आता है इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको मैं बता दूं, सबसे पहला मैंने आपको कहा था कि आपको मिलेगा गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। ये मिलेगा कितना, जितने भी आपने एनुअल प्रीमियम पे किए होंगे ना टोटल, वो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पे मिल जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था टर्मिनल बोनस, ये डिपेंड करेगा आपकी कंपनी पे कि वो कितना देते हैं। तीसरा आपको मैंने बताया था अक्योर सर्वाइवल इनकम बेनिफिट्स। अक्योर सर्वाइवल इनकम बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया था कि जो आपके इन ईयरली जो बेनिफिट आपको लेने थे, चाहे वो गारंटीड सर्वाइवल इनकम हो और नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम हो, अगर आप चाहो तो साथ में एक साथ भी ले सकते हो। अगर आप एक साथ का ऑप्शन चुनोगे तो वो आपको उस टाइम पे साथ में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं दोस्तों डेथ बेनिफिट्स की। यहाँ पे दोस्तों डेथ बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले मिल जाएगा गारंटीड सर्वाइवल इनकम, प्लस आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा, प्लस आपका जो भी नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम उस साल का होगा वो मिल जाएगा, और अगर टर्मिनल बोनस कोई हुआ तो वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ में क्या क्या मिलेगा। सम अश्योर्ड डेथ में दोस्तों कैसे मिलेगा, जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम होगा उसके साथ डेथ बेनिफिट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डेथ बेनिफिट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअलाइज प्रीमियम के साथ, तो आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकल के आ जाएगा। दूसरा दोस्तों गारंटीड सर्वाइवल इनकम, उस साल की जो भी गारंटीड सर्वाइवल इनकम होगी, ठीक है, अगर बनी होगी उनकी जो गारंटीड सर्वाइवल इनकम पे आउट्स अगर शुरू हो गए होंगे, तो उस साल की जो भी गारंटीड सर्वाइवल इनकम होगी वो मिल जाएगी। उस साल की दोस्तों जो भी
नॉन गारंटी सर्वाइवल इनकम अगर उनकी बनती होगी वो भी मिल जाएगी। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे फिर से एक चीज़ लिखी है, एक्यूमुलेटर डेफर्ड सर्वाइवल इनकम। ये दोस्तों फिर से वही चीज़ आ गई, अगर जो बंदे ने एक साथ अपने इनकम पे आउट लेने का ऑप्शन चुना था कि मुझे हर साल नहीं चाहिए एक साथ चाहिए, तो अगर अब बंदे ने वो ऑप्शन चुना था तो उसको फिर जो भी उसके जो उस टाइम तक जो भी सर्वाइवल इनकम बनी होगी वो मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंट्री एज दोस्तों यहाँ पे 30 साल से 55 साल तक है, मैच्योरिटी एज है 100 साल की, और पॉलिसी टर्म आप ले सकते हो 100 में से जितनी भी आपकी एज है उसको माइनस कर दोगे तो आपकी पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म दोस्तों यहाँ पे 10 साल 12 साल और 15 साल की रखी गई है। मिनिमम अगर एनुअल प्रीमियम की बात करें तो वो 230,000 है, और बेस सम अशोर दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बेस सम अशोर जो आपको दोस्तों यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ हम सारी की सारी चीज़ें जितनी डिस्कस की हैं वो आपके साथ बात करेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 30 साल, वो पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं, उनकी पॉलिसी टर्म क्या हो जाएगी, 100 में से 30 साल माइनस करेंगे तो 70 साल की पॉलिसी टर्म। प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं 15 साल का, उनका एनुलाइज जो प्रीमियम है वो है 1,00,000 का। अब दोस्तों जो बेस सम अशोर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1,00,000 का 10 गुना, तो 10,00,000 उनका हो जाएगा बेस सम अशोर्ड। और डेथ बेनिफिट फैक्टर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 13.50 का, और ये कैसे आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे डेथ बेनिफिट फैक्टर आ गया 13.50 का, तो सम अशोर्ड ऑन डेथ क्या हो जाएगा, एनुअल प्रीमियम को मल्टीप्लाई कर देंगे 13.50 से, 1,00,000 को 13.50 से करोगे तो 13.5 लाख रुपये यहाँ पर डेथ सम अशोर्ड ऑन डेथ निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने लिया है डेथ बेनिफिट फैक्टर, एज है 30 साल, डेथ बेनिफिट मल्टीपल है 13.50, डेथ बेनिफिट मल्टीपल और डेथ बेनिफिट फैक्टर एक ही चीज़ है, बाकी आप अपनी एज के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम रेट। ये दोस्तों मेंशन नहीं है, हम एवरेज अगर 2.5% मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दोस्तों आपकी पॉलिसी के 7 साल बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने 70 साल की पॉलिसी है आपकी तो उसमें से 7 साल कम कर दोगे तो आपको 63 साल तक ये बेनिफिट मिलता रहेगा। तो 10,00,000 क्या है आपका बेस सम अशोर्ड, बेस सम अशोर्ड का 2.5% मिलेगा तो सालाना कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। तो 1 साल का 25,000 रुपये मिलेगा तो 63 साल तक मिलता रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 15,75,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आती है आपकी गारंटीड सर्वाइवल इनकम। ये मैंने आपको कहा था आपका बेस सम अशोर्ड पे डिपेंड करेगा और आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म पे डिपेंड करेगा। इसको ध्यान से देखिए, पहली चीज़ देखिए यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म टू प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 29 ईयर्स। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म हमारी कितनी है दोस्तों, 15 साल, 15 साल से लेके 15 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 29 साल। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 15 साल से लेके 15 प्लस 29 साल, मतलब कि 44 साल तक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 15 साल से लेके 44 साल तक जो हमारी गारंटीड सर्वाइवल इनकम होगी वो मिलेगी 4%। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखी है, प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 30 ईयर्स। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म कितनी है हमारी दोस्तों, 15 साल, उसमें 30 साल ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 साल, से लेके 2 की जगह 2 आ गया, प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 59 साल। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म है हमारी 15 साल, 15 साल में 59 मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्तों आपका कितना निकल के आ जाएगा, 74 साल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 74 साल, मतलब कि 45 साल से लेके 74 साल तक जो आपको रेट मिलेगा वो मिलेगा 3% का। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारी पॉलिसी तो 70 साल तक है तो इससे तीसरे वाला हम देखेंगे नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो पहला था यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे हमें 4% का मिल रहा था, वो मिल रहा था हमें 29 साल तक। ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों वो हमें मिल रहा है 70 में से 45 साल माइनस कर लोगे तो 25 साल तक। तो टोटल पीरियड यहाँ पे जो हमें मिलेगा यहाँ पे वो 25 प्लस 29 करोगे तो वो हो जाएगा 54 ईयर्स का। अब दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, पहले 29 साल तक उन्होंने कहा था 4% का रेट मिलेगा। ठीक है, तो बेस सम अशोर्ड है 10,00,000, 10,00,000 का 4% निकालेंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, उसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 साल का निकल जाएगा। 1 साल का हो गया 40,000, 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 साल का निकल के आ जाएगा 11,60,000 रुपये।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है गारंटीड सर्वाइवल इनकम फॉर लास्ट के 25 साल। लास्ट के 25 साल उसने कहा था 3% के हिसाब से मिलेगा, तो 10 लाख का 3% निकालेंगे तो आ जाएगा 30,000, 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 साल का आ जाएगा 7,500,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान से देखिए, ये दो चीज़ें तो हमने आपके सामने कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पे अगर ईयरली हम बात करें तो पहले 29 साल तक 40,000 रुपये तो आपको क्या मिल रहा है, गारंटीड सर्वाइवल इनकम, प्लस 25,000 रुपये कौन से नॉन गारंटी सर्वाइवल इनकम, मतलब कि हर साल आपको 65,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और अगर लास्ट के 25 साल की बात करें तो गारंटीड सर्वाइवल इनकम तो आपको 30,000 रुपये मिल रही है, लेकिन नॉन गारंटी सर्वाइवल इनकम 25,000 रुपये है, तो हर साल आपको लास्ट के 25 साल 55,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल गारंटीड सर्वाइवल इनकम की हम बात करें तो इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो 19,10,000 रुपये निकल के दोस्तों आ जाएगा। अब आगे देखते हैं टोटल मेच्योरिटी बेनिफिट्स कितने बन गए हमारे। सबसे पहला था गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी, वो कितना था 1,00,000। एनुअल प्रीमियम था 15 साल तक हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म था, तो हमने 15,00,000 रुपये दिए थे, तो हमें अपना जो गारंटी सम अश्योर्ड है वो 15,00,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, और टर्मिनल बोनस अगर कुछ बना होगा तो वो मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों गारंटीड सर्वाइवल इनकम बेनिफिट्स हमें जो गारंटीड वाले थे वो 19,10,000 के मिल जाएंगे टोटल, और नॉन गारंटीड सर्वाइवल इनकम के बेनिफिट्स 15,75,000 के टोटल देखने को मिल जाएंगे। अब डेथ का केस देख लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए जो है उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के 20 साल बाद, ठीक है, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या निकल के आएगा, एनुअल प्रीमियम कितना था 1,00,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेथ बेनिफिट फैक्टर से, वो है 13.5 का, तो निकल के आ जाएगा 13,00,000 रुपये। उसके साथ दोस्तों एक चीज़ और देखनी है कि उस साल उनकी गारंटी सर्वाइवल इनकम भी तो बनी होगी, क्योंकि 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था, उसके बाद तो उनको इनकम बेनिफिट्स मिल रहे हैं हर साल, तो उस साल का जो जब उनकी डेथ हुई उस साल का जो गारंटी सर्वाइवल इनकम था वो भी तो मिलेगा उनको, वो कितना मिलेगा बेस सम अश्योर्ड का 4%, जो कि 40,000 उनको मिलना है। नॉन गारंटी सर्वाइवल इनकम बेनिफिट उस साल का भी मिलेगा उनको, वो मिलेगा 25,000 रुपये। तो डेथ बेनिफिट की अगर बात करें तो वो उनका दोस्तों कितना हो जाएगा, 13.5 लाख में 40,000 प्लस करो 25,000 प्लस करो, टोटल हो गया 14,15,000 रुपये। लेकिन दोस्तों इस 14,15,000 रुपये को ना एक चीज़ से कंपेयर किया जाता है, वो है TPAP। ये क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको। TPAP का मतलब होता है दोस्तों टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम, मतलब कि जितना भी उन्होंने एनुअलाइज प्रीमियम टोटल पे किया है उसका 105% निकालना है। टोटल उन्होंने प्रीमियम पे किया था 15,00,000, उसका 105% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15,75,000 रुपये। तो दोस्तों ये 15,75,000 रुपये जो है, ठीक है, ये ज़्यादा है किसके मुकाबले, जो हमने ऊपर सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकाला था, तो उनको सम अश्योर्ड ऑन डेथ के मामले में ये चीज़ दी जाएगी जो कि ज़्यादा निकलेगी। ये यहाँ पे जो हमने टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम निकाला है 105% वाला, ये 13.5 लाख से ज़्यादा है तो ये 15,75,000 काउंट होगा, ये 15,75,000 काउंट होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ, ठीक है, 13.5 लाख की जगह 15,00,000 काउंट होगा। उसके साथ ये जो बेनिफिट्स हैं गारंटी सर्वाइवल इनकम नॉन गारंटी सर्वाइवल इनकम वाले बेनिफिट्स, ये तो दोस्तों उनको साथ में मिलने ही हैं। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम इस वीडियो को सरेंडर वैल्यू और पेड अप पॉलिसी बेनिफिट के साथ भी लेके आएँ तो आप कमेंट कीजिएगा, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।